पास दस मोतियों के कुछ पैकेट थे ठीक है और साथ ही कुछ बेटा खुले मोती भी थे प्रत्येक मोती की, की कीमत बेटा पचास पैसे थी दस मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे बेटा एक रुपए कम देना पड़ता है वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है यदि बेटा वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसने उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए ममता सिंह सरिता राहुल बहुत बढ़िया सभी बच्चे बेटा जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें इसके बाद बेटा हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं ठीक है और इसमें बेटा इसमें सभी लोग बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से देखिए क्या आंसर हो सकता है देखिए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जल्दी से सभी बच्चे बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा इसका आंसर जल्दी से बताएं क्या हो सकता है बेटा इसका आंसर जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया अर्चना राजपूत शाबास आ जाइए बेटा जल्दी से सभी बच्चे शाबाश बताइए बेटा क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या हो सकता है सभी बच्चे जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कुछ बच्चे बेटा डी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे बेटा डी आंसर दे रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया डी कामिनी राजपूत डी जल्दी से बताएं बेटा बाकी सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर क्या हो सकता आंसर जल्दी से बताइए देखिए आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा मैंने कहा गीतांजलि ने गीतांजलि ने माला बनाने के लिए बेटा कुछ मोतियां खरीदी उसके पास बेटा दस मोतियों के दस मोतियों के बेटा दस मोतियों के कुछ पैकेट थे ठीक है, दस मोतियों के कुछ पैकेट से यानी कि दस पैकेट रहे होंगे बेटा और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे उसके पास ठीक है, की थी, है दस मोतियों का एक पैकेट बेटा खरीदने पर उसे एक रुपया कम देना पड़ता है बेटा प्रत्येक मोती की कीमत पचास पैसे यानी एक मोती जो है एक मोती जो है इसकी कीमत जो है बेटा वो पचास पैसे है कितनी है भाई पचास पैसे है अगर एक मोती की कीमत एक मोती की कीमत बेटा 50 पैसे है तो बोलो बेटा 10 मोती की कीमत कितनी होनी चाहिए 10 मोती की कीमत कितनी होनी चाहिए अगर एक मोती 50 पैसे में मिल रही है तो दो मोती बेटा कितने रुपए में दो मोती कितने रुपए में बेटा एक रुपए में मिलेंगे तो भैया यह यहां पर 10 मोती कितने रुपए में पांच रुपए में लेकिन अगर दस मोती वो खरीद लेती है तो बेटा एक रुपए कम देना पड़ता है अगर एक रुपए कम देना पड़ेगा यानी चार बेटा यहां पर कितना चार रुपए चार केवल केवल कितने रुपए में चार रुपए में मिल जाएगा और आगे पढ़िए वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि बेटा कुल मोतियों की संख्या जो है दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है बेटा आगे बात समझ में बेटा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है दो अंकों की सबसे बड़ी बेटा सम संख्या है बेटा दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो बेटा निन्यानवे होती है लेकिन उसने सम बोला है यानी कितना अट्ठानवे लेंगे यानी उसके पास मोती कितने हैं बेटा अट्ठानवे अगर अट्ठानवे मोती हैं तो आप सभी बच्चे बताना कि क्या मैं इसको बेटा नाइन प्लस लिख सकता हूं आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं बोलो दस मोती अगर चार रुपए में मिल सकते हैं तो बेटा नब्बे मोती कितने रुपए में मिलेंगे आप कहेंगे में, मोती मिलेंगे तीन में, यहां पर बेटा कितने का नौ का गुणा तो चार नौ बेटा कितने छत्तीस रुपए में अगर दस मोती बेटा चार रुपए में मिल रहे हैं तो भैया आप कहेंगे नब्बे मोती कितने रुपए में छत्तीस रुपए में मिल जाएंगे अब आप बताओ बेटा कितने मोती एक्स्ट्रा बच्चे आठ मोती क्योंकि अट्ठानवे मोती बेटा आप लोगों को खरीदने हैं। तो आप कहेंगे आठ मोती कितने रुपए में मिलेंगे भैया एक मोती मिलता है बेटा पचास पैसे में तो आठ मोती कितने रुपए में बेटा चार रुपए में कितने रुपए में चार रुपए में क्योंकि दो मोती एक रुपए का मिलता है तो आठ मोती बेटा चार रुपए के मिलेंगे यहां पर टोटल बेटा नब्बे और आठ अट्ठानबे मोती हो गए और यहां पर टोटल रुपया जो हो गया वो कितना हो गया बेटा चालीस यानी आंसर कौन सा होगा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया शाबाश सारे बच्चे बताइए बेटा सरिता बहुत बढ़िया ममता संख्या बढ़ा लीजिए बेटा बहुत कम बच्चे हैं अभी जल्दी से बढ़ा लीजिए बेटा संख्या सभी बच्चे ठीक है बहुत बढ़िया भावना शुक्ला मोनू बहुत बढ़िया स्नेह प्रभा भावना बहुत बढ़िया प्रिया कामनी दिव्या कटियार अर्चना शाबास आज का पेपर बेटा बहुत अच्छा पेपर है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेटा इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो बेटा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इसका जो लेवल है बेटा आज का वो बहुत अच्छा है ठीक है जल्दी से बताएं भाई ठीक है चलिए देखते हैं भाई सभी बच्चे अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सभी को समझ में आ गया होगा अब चलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शाबाश रुचि सरिता बहुत बढ़िया अर्चना राजपूत शाबाश बेटा चलिए देखे भाई बढ़ रहे बेटा हम लोग आगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है बेटा बोला ये गया है बोला ये गया है बेटा कि जब जब किसी जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है बेटा अगर शून्य से विभाजित करेंगे बोलो बेटा अगर दो लिखा हुआ है दो को बेटा हम लोगों ने जीरो से विभाजित कर दिया दो को बेटा जीरो से विभाजित कर दिया आप भी जानते हैं कि जब जीरो को बेटा किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बेटा जीरो आता है लेकिन अगर जीरो से ही किसी संख्या को विभाजित कर दें तो आप जानते हैं बेटा क्या होता है आप कहेंगे भैया ज्ञात नहीं किया जा सकता यानी आप परिभाषित रहता ऑप्शन कौन सा है बेटा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया शाबाश जल्दी से भाई सभी बच्चे बढ़ते जाइए स्टडी प्लान शाबाश स्नेह प्रभा कामिनी ममता बहुत बढ़िया बेटा सरिता भावना दीक्षा गौरी शाबाश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है बोला गया बेटा अंक जीरो एक चार सात बेटा जीरो एक चार और क्या सात को बिना दोहराए बेटा यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बेटा बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी बेटा एक निकालना है आपको बड़ी फिर क्या बोला गया बेटा सबसे छोटी बोला गया बेटा छोटी दोनों का अंतर यानी बताओ बेटा बड़ी निकालनी है तो हमेशा याद रखना बड़ी वाली संख्या सबसे पहले फिर उससे छोटी संख्या फिर उससे छोटी संख्या फिर उससे छोटी संख्या ये होगी बेटा सबसे बड़ी संख्या अगर छोटी निकालनी हो तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होती है लेकिन यहां पर बेटा जीरो दे दिया गया है तो जीरो अगर लगा

बहुत बढ़िया स्टडी प्लान साबाल भावना भावना बेटा साबाद बहुत बढ़िया दीक्षा पाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं भाई तेतीस के बाद बेटा चौतीस नंबर क्वेश्चन सभी लोग समझिएगा मैंने बोला है बेटा तीन बटे चार एक बटे दो एक बटे चार दो बटे तीन और तीन बटे पांच और बेटा पांच बटे छह ठीक है निम्नलिखित भिन्नों में, स, आ, में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर क्या होगा आगे बात में बताओ बेटा सबसे बड़े और सबसे छोटे अगर भिन्नों का अंतर निकालना है मैंने आप लोगों को बेटा भिन्न में छोटा तथा बड़ा होना बताया है क्या बताया है बेटा कि सबसे पहले देखिए इसमें जिसमें अंतर बराबर है बेटा सबसे पहले उसको अलग हटाइए किसमें किसमें अंतर बराबर है आप कहेंगे तीन और एक चार यानी कि तीन बटे ले सकते हैं ठीक है अब इसके बाद देखो बेटा एक बटे दो एक बटे दो अंतर बेटा इसमें भी क्या है बराबर है देख लीजिए एक बटे दो अंतर इसमें भी एक का है बेटा इसमें एक का नहीं है दो बटे तीन इसमें भी एक का है यानी दो बटा तीन ले लीजिए इसके बाद बेटा इसमें देखो इसमें देखो भाई अंतर कौन सा बड़ा है अंतर इसमें कौन सा है बेटा कितने का है दो का इसमें अंतर कितने का है बेटा एक का यानी आप कहेंगे पाँच बटे अब आप सारे बच्चे बताइए कि अगर इसमें हम लोग देखें तो हम लोग ये कहेंगे कि भैया वो पूछा यह गया है कि सबसे बड़े और बेटा सबसे छोटे भिन्नों का अंतर आप लोग कुछ मत कीजिए आप ये कह सकते हैं कि भैया जब अंतर बराबर होता है यहां पर भी एक का यहां पर भी एक यहां पर भी एक का यहां पर भी एक का अंतर बराबर भिन्न प्रॉपर तो बेटा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बेटा क्या होगी सबसे बड़ी होगी जिसका अंश बेटा सबसे छोटा होगा वो भिन्न आपकी क्या होगी सबसे छोटी होगी यानी आप कह सकते हैं कि यह भिन्न बेटा सबसे छोटी है और यह भिन्न सबसे बड़ी है यानी यहां पर अब हम इसको हटा सकते हैं इसमें से तो भाई सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई अब इसी इन्हीं दोनों का बेटा कंपेयर बाकी से करा देंगे आपको पता चल जाएगा आप कहेंगे एक बटे चार ले लो और बेटा कितना ले लो तीन बटे छह पाँच। पाँच बटे तो ले लिया था एक बटे चार ले लो और बेटा तीन बटे कितना ले लो पांच ये भी संख्या ले लीजिए अब इसका तो काम खत्म हो गया ना क्यों खत्म हो गया क्योंकि बेटा अंतर एक अंतर एक अंतर एक अंतर एक बेटा जो सबसे छोटा सबसे छोटा हो गया जो सबसे बड़ा हुआ तो सबसे बड़ा हो गया अब मैं चाहूं तो बेटा इस सभी को हटा सकता हूं अब मैं चाहू

यहाँ पर देखो बेटा दो एक कम दो और बेटा तीन तीन कितना हो गया भाई नौ आगे बात में बोलो भाई अगर यहां पर देखा जाए तो अंतर बराबर नहीं था तो अब आप बताओ अगर अंतर बराबर मैंने कर दिया तो भैया जिस जो अंक सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी यानी पांच बटे बड़ा होगा पांच बटे जो है वो सबसे बड़ा होगा और बेटा सबसे छोटा क्या है बेटा यानी आप एक बटे चार जो है आपका वो सबसे सबसे छोटा छोटा भिन्न भिन्न है 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 जो और बेटा बताना क्या है आपको अंतर बताना है दोनों का एल्सियम ले लीजिए तो आप कहेंगे बेटा देखो यहां पर चार और छह का एल्सियम लेंगे तो बेटा बारह आ जाएगा छह दूनी बारह दो पंचे बेटा दस चारियां बारह तो बेटा तीन घटा घटा दिया चार तिया बारह तीन एकम तीन बेटा दस में से तीन चला गया सात बेटा सात बटे बारह यानी सेवन अपॉन ट्वेल्व सो सेवन अपॉन ट्वेल्व इज द राइट आंसर यानी आपका आंसर कौन सा होगा डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है पिंकी देवी गुड इवनिंग बेटा शाहबाज भावना बहुत बढ़िया दिव्या कटियार दीक्षा बहुत बढ़िया सरता शाहबाज स्नेह प्रभा राजपूत बहुत बढ़िया चलिए बात समझ में आ गई सभी को सबसे पहले उन भिन्नों को लीजिए जो बेटा जिसमें अंतर कम है जिसमें सॉरी जिसमें अंतर बेटा बराबर है पहले उनसे बेटा छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न ले लीजिए फिर इसके बाद बेटा उठाइए आप उनको जिन जिनमें बेटा अंतर बराबर नहीं है और वहां से बेटा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा आगे बढ़िए सभी बच्चे पैंतीस नंबर क्वेश्चन थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए भाई टी फाइव नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है आम इतने रुपए में है सेब इतने रुपए में है बेटा और फलों का कुल मूल्य बेटा प्रति किलोग्राम नीचे दिया गया है ये प्रति किलोग्राम का मूल्य तरबूज इतने रुपए में अंगूर बेटा इतने रुपए में है तो अब आप बताना अगर अंगूर बेटा इतने रुपए में है तो अब आप सारे बच्चे बताइएगा स्नेहा ने कितने किलो बेटा स्नेहा ने साढ़े तीन किलो बेटा तरबूज खरीदे तरबूज कितने रुपए में बेटा साढ़े तीन किलो खरीदे हैं तो आप क्या कह सकते हैं आप कहेंगे एक किलो का रेट ये है तो बेटा बाईस दशमलव पांच इंटू बेटा तीन दशमलव पांच क्योंकि साढ़े तीन किलो है बेटा आगे बात सोन में और यहां पर देखो बेटा दो किलो आम खरीदे आम कहा है बेटा आम ये है तो आप कहेंगे बेटा कितना अस्सी दसमलव साठ गुड़े कितना बेटा दो किलो दो किलो आम हो गया इसके बाद चलते हैं बेटा दो किलो आम हो गया इसके बाद बेटा किलो सेब सेब है सेव ये है ये तो आप कहेंगे एक सौ बीस दसमलव पचास और इंटू बेटा एक दसमलव पाँच हो गया और आगे बढ़िए बेटा और आगे बढ़िए बेटा तीन बटे चार किलोग्राम तीन बटे चार किलोग्राम बेटा क्या लिया है मैंने अंगूर खरीदा है अंगूर कहाँ है बेटा ये है बेटा तीन बटे चार तीन बटे चार किलोग्राम अच्छा आप सारे बच्चे बताना तीन बटे चार का मतलब क्या होता है यानी चार पार्ट में से चार पार्ट में से बेटा एक यानी कितना सात तो सौ पचास मिलीग्राम खरीदा गया है कितना बेटा सात तो सौ पचास मिलीग्राम तो यहां से बेटा देखो अगर अंगूर की बात की गई मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में यह बोला गया है कि भैया साढ़े तीन किलोग्राम बेटा क्या तरबु साढ़े तीन किलोग्राम बहुत बढ़िया अर्चना साबास स्नेह प्रभा सबसे पहले बेटा क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर तरबूज बेटा साढ़े तीन है तो साढ़े तीन को आप क्या लिख सकते हो तीन दशमलव पांच लिख सकते हो या साढ़े तीन लिख दो जैसी तुम्हारी इच्छा हो आगे बात में और बेटा इसके बाद बोला गया है इसके बाद बोला गया बेटा दो किलो आम आप ऐसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं ऐसा नहीं है कि बेटा आप ऐसा ही लिखो मैं कह रहा हूं अगर आपकी इच्छा ऐसे कर लिखने की नहीं है आप मत लिखिए कोई बात नहीं बेटा आप चाहो अगर पॉइंट में डिवाइड ना कर पाना तो बेटा दो तिया छ कितना बेटा सात यानी सात बटे दो किलोग्राम कर सकते थे यहां पर भी बेटा दो सॉरी ये वाला क्या था ये था क्या बेटा सात बटे दो आपका तरबूज तरबूज के सामने बेटा करो सात बटे दो तरबूज के सामने बेटा सात बटे दो लिखिएगा फिर इसके बाद आम आम देखिए बेटा आम कहाँ है ये कितना दो किलो बेटा इसके बाद देखो डेढ़ किलो दो एक कम दो और एक तीन यानी तीन बटे दो आप लिख सकते हैं क्या सेब इसके बाद बेटा अंगूर अंगूर कितना तीन बटे चार अंगूर एक सौ दस दशमलव चालीस इंटू बेटा कितना तीन बटे चार आगे बात समझ में क्लियर है अब यहां से आप लोगों को बेटा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में क्या करना है सबसे पहले सबसे पहले आप बताओ बेटा यहां पर अगर सबसे पहले बताना कि अगर बोला गया है अगर बोला गया है बेटा कि तरबूज यानी साढ़े तीन किलो सात बटे दो साढ़े तीन किलो का मतलब सात बटे दो यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा अठहत्तर दशमलव सात पांच भाई यहां से डिवाइड आप लोगों को करना है दो एक कम दो, दो एक कम दो और यहां पर बेटा आ जाएगा पच्चीस और फिर मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे सात से तो ग्यारह से सत्तर के ऊपर आ रहा है यानी अठहत्तर दशमलव कितना सात पांच क्लियर हो गई बात अब इसके बाद बेटा, बेटा देखो अगर हम लोग यहां पर देखें आम का तो आम का कितना हो रहा होगा बेटा एक सौ इकसठ दशमलव बेटा कितना दो ठीक है अगर बेटा हम लोग इसके बाद सेब का देखें देखिए सेब कितना है बेटा डेढ़ किलो अगर डेढ़ किलो सेब का देखें तो बेटा कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी दशमलव सात पाँच अगर बेटा यहाँ पर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें किसका बेटा यहां पर अंगूर का तो अंगूर का कितना हो रहा है बेटा पाँच सौ तीन पाँच सौ तीन सॉरी बयासी दशमलव बयासी दशमलव बयासी दशमलव आठ बयासी दशमलव आठ अगर मैंने इन सभी को जोड़ा तो बेटा आ जाएगा आपका पाँच सौ तीन दशमलव पाँच रुपये पाँच सौ तीन दशमलव पाँच रुपये ठीक है अगर मैंने सभी को जोड़ दिया तो बेटा कितना आ गया पाँच सौ तीन दशमलव पाँच रुपये अब आप बताओ उसने कितने का नोट दिया है बेटा दो हज़ार का तो आप कहेंगे दो हजार में भैया पाँच सौ तीन दशमलव पाँच अगर घटाया और जीरो बढ़ा दीजिए तो आप कहेंगे दस में से पाँच गया बेटा पाँच और दशमलव भैया नौ में से यहां पर कितना चला गया तीन

सही आंसर सॉरी ठीक है बात समझ में आ गई सभी को बहुत बढ़िया शाबाश कामरी राजपूत शाबाश शोभा देवी बहुत बढ़िया ममता सिंह स्नेह प्रभा बहुत बढ़िया बेटा चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात पूरी समझ में आ गई है सभी लोग बेटा एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो जिससे आप लोगों के पास ये हो जाए और दोबारा से बार बार एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा फिर से बेटा वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है पूर्ण रूप से बेटा क्लियर हो जाना चाहिए बाकी इसमें तो मल्टीप्लाई ही था केवल ठीक है मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए चलिए सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा देखिए क्वेश्चन आ गया बेटा रैंकिंग से है ना सिटिंग अरेंजमेंट में भी आता है रैंकिंग में भी आता है बेटा रीजनिंग का क्वेश्चन होता है लेकिन ये बेटा मैथ में क्वेश्चन पूछा गया तो गलत नहीं है इसको आप लोगों को करना है अच्छा ये बताओ स्वतंत्रता दिवस पर बेटा शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा बेटा चाक उठानी थी हीना लीना हीना लीना बीना बिजू मिगी कितने हैं एक दो तीन चार और पाँच पांच लोग हैं बेटा पांच सबसे अच्छे विद्यार्थी थे ठीक है बेटा हीना के पास मिगी से ज्यादा चौक थी यहां पर लिख लीजिए बेटा हीना के पास बेटा किससे मिगी से चलो मैगी नहीं लिखा ये अच्छी बात है बेटा मिगी नाम होता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया मिगी मिगी से बेटा ज्यादा चौक थी इसके बाद क्या बोला गया मिगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सका है ना यानी मिगी यानी कि लड़का है बेटा मिगी जो है मिगी जो है वो बेटा किससे बीना से बीना से बीना से बेटा ज्यादा चाक इकट्ठी नहीं कर सका यानी इससे कम है और आगे बढ़ो बेटा लीना को बीना से कम लीना लीना को बेटा बीना से कम लीना को बेटा बीना से कम किंतु किंतु बेटा और मिगी से ज्यादा चौक मिलती है मिगी

बिजू जो है वो बेटा विजेता है यानी बिजू जो है बेटा बिजू बीजू जो है वो विजेता है वो बेटा सबसे पहले रहेगा और एक दो तीन चार बच्चे बेटा पीछे रहेंगे बहुत बढ़िया और आगे बढ़ते हैं बेटा लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है बेटा यहां पे हीना धोखे से भी ना बैठाल देना दूसरे स्थान पर नहीं है बेटा तो दूसरा पुरस्कार किसे मिला बहुत अच्छा क्वेश्चन इसीलिए मैं कह रहा था इसीलिए बेटा बाकी बच्चे भी कह रहे थे कि भैया जो ये पेपर आया था वो बहुत अच्छा पेपर आया था बेटा जो इक्कीस दिसंबर का दो का पेपर आया था बेटा वो बहुत अच्छा पर था ठीक है चले, बहुत बढ़िया आकांक्षा बेटा भावना शोभा अब देखिए बात आ गई है बेटा क्वेश्चन को सेट करेंगे क्वेश्चन को सेट कैसे करेंगे बेटा ध्यान से देखना बेटा मिगी जो है वो इन दोनों से बेटा क्या है छोटी है कम है मतलब इन दोनों से क्या है बेटा कम है अच्छा ये बताओ हिना से भी कम है यानी मिगी के पहले देखो हिना से कम बिना से कम लीना से कम यानी कितने से बेटा हिना हिना ही तो है से कम बिना से भी कम लीना से भी कम, कम यानी मिगी के पहले तीन रहे होंगे बोलो बेटा यानी मिगी से पहले तीन तो आप कहोगे एक दो तीन मिगी से पहले यानी मिगी तो भैया लास्ट में जाएगी ही जाएगी ये तो कन्फर्म हो गया पहले बताइए बेटा यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि बेटा मिगी

और लीना और बीना बेटा एक तरफ रहेंगे कोई बात नहीं बीना यहां लिख दो बेटा बीना और लीना जो है वो बेटा बीना से कम होनी चाहिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा अभी तक का मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है बेटा लीना जो है लीना बीच में रहेगी बिनी बेटा आगे रहेगा और मिगी सबसे किनारे रहेगा बहुत बढ़िया मिगी बेटा सबसे किनारे है बीना यहाँ रहेगी और लीना यहाँ रहेगी बताओ बेटा यहाँ हिना भर सकते हैं क्या ये है? नहीं तो केवल बचा हुआ है ना बेटा नहीं भर सकते हो क्यों नहीं भर सकते हो क्योंकि बेटा यहाँ पर हिना पहले बोल दिया गया था कि हिना बेटा दूसरे स्थान पर नहीं है कोई बात नहीं तो फिर हिना को यहां से हटाओ इन दोनों को बेटा बीना और लीना बीना और लीना को बेटा आगे लाओ बीना और लीना को आगे लाओ यानी यहाँ पर बेटा बीना ले आओ और यहाँ पर लीना ले आओ और यहां पर बेटा एच रख दो आगे बात समझ अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे भैया हम यहां क्यों एच को रखें हम भैया यहां पर एच को रख देंगे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब आप यहां एच को रख लीजिए यहां पर लीना को रख दीजिए हमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं क्यों क्योंकि बेटा कहा गया है चाहे हीना हो चाहे लीना हो दोनों बेटा मिगी से बड़े हैं देखो दोनों मिगे से बड़े हैं चाहे यहां पर इसको रख दो चाहे यहां पर इसको लिख दो और बीना से बेटा जो लीना है वो छोटा है चाहे बेटा बीना के बाद में चाहे यहां लीना को रख दो तब भी छोटा इसके पीछे रखोगे तब भी छोटा यानी आप कहोगे कि यहां पर जो कंडीशन बन रही है केवल अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात की जाती तो मैं कह सकता था कि भैया ज्ञात नहीं किया जा सकता लेकिन अगर दूसरे की बात की गई दूसरे स्थान पर तो बेटा आंसर मेरा क्या होगा दूसरे स्थान पर बीना समझ में आई कि नहीं आई क्लियर है मेरी बात सभी लोग फिर से सुनिए अगर तीसरे का पूछा जाता ज्ञात नहीं किया जा सकता चौथे का पूछा जाता ज्ञात नहीं किया जा सकता पहले का पूछा जाता बेटा बीजू होता दूसरे पे पूछा जाता बीना होता बेटा लास्ट का पूछा जाता बेटा मिगी होती आगे बात समझ में क्लियर बात सभी को समझ में आ गई अच्छा बहुत ईजी पीजी है साफ बात बहुत बढ़िया इसी तरह से बेटा अगर आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगते रहे तो बेटा हंड्रेड वन परसेंट आप लोगों को बेटा सफलता से कोई पीछे नहीं कर सकता है बहुत बढ़िया साफ बास बेटा शिव कुशवाहा अगर इसी तरह से बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन आसान लगते रहे तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा आप लोगों को सफलता पक्का मिल जाएगी और सारे बच्चे बेटा 130 प्लस जाएंगे ठीक है अगर इसी तरह तरीके से आपको क्वेश्चन आसान लगता रहा ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश अच्छा सभी प्यारे भाई बताएं इसका आंसर क्या होगा बेटा जीरो दशमलव जीरो दशमलव पांच जीरो और जीरो दशमलव पांच जीरो और बेटा कितना जीरो दशमलव सात जीरो के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होंगी बेटा याद रखिएगा कि नहीं भी दो संख्याओं के बीच अगर दशमलव संख्याएं पूछ ली जाए तुरंत आंसर बेटा असंख दे दीजिए उसका कारण बेटा जीरो मान लीजिए बेटा पांच है जीरो दशमलव सात जीरो के बीच अगर आपने बेटा यहाँ पर जीरो दशमलव छ कर दिया तो मैं यहाँ पर जीरो दशमलव पांच नौ फिर इसके बाद बेटा आगे बढ़ाता जाऊँगा फिर भी आ गया तो हम एक दो से स्टार्ट कर देंगे फिर भी आ गया तो फिर एक दो से स्टार्ट कर देंगे मतलब संख्याएं आगे बढ़ाते ही जाएंगे तो आप कहोगे भैया यहां पर तो असंख्य संख्याएं आ जाएंगी ठीक है सैंतीस नंबर था क्वेश्चन अड़तीस नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए एक समकोण ठीक है चलिए भाई सभी बच्चे देखिए जल्दी से बताइए बेटा 38 नंबर क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से हाँ सभी बच्चों अब तो बेटा आसान लग रहा है सभी लोगों को भाई जल्दी से दीजिए इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएं सभी बच्चे बताइए बेटा क्या होगा आंसर इसका बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है चलिए देखिए भाई क्या बोला गया एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एक बेटा समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित कथनों को बेटा पढ़िए बहुत बढ़िया चलिए पढ़ लेते हैं बेटा बेटा एक तुण तुण तुण। में एक त्रिभुज त्रिभुज में में कोण बी डिग्री का है यहां से अगर देखा जाए तो बी बेटा नब्बे डिग्री का है ये नब्बे डिग्री का है ठीक है और इसका क्षेत्रफल बेटा जितना कितना है छह सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर है छ सेंटीमीटर और कितना है बेटा चार सेंटीमीटर ठीक है नहीं नहीं इसका नहीं बेटा इसका क्षेत्रफल छः सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है यानी बेटा आयत ये एक आयत है ये बेटा है छः ये है चार आगे बात समझ में यानी छः चौको कितना हो गया बेटा चौबीस छः चौको कितना चौबीस तो इसका भी क्षेत्रफल जो रहा होगा वो चौबीस ही रहा होगा यानी आप कह सकते हैं चौबीस के बाद चौबीस के बाद मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आप कहेंगे अगर मैंने कहा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है इसके बाद और इसका क्षेत्रफल बेटा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के बेटा क्षेत्रफल के समान है यानी बेटा ये आयत के क्षेत्रफल के समान अगर इसकी भुजाएं हैं तो आप क्या कह सकते हैं आप ये कहेंगे कि भैया छः चौको चौबीस का भी क्षेत्रफल चौबीस रहा होगा तो आप कहेंगे भैया चौबीस तो एक बटे आधार इंटू ऊँचाई होती है बेटा आधार इंटू ऊंचाई होता है तो अगर दो से बेटा इधर कर दिया जाए तो ए इंटू का मान कितना हो जाएगा बेटा अड़तालीस अब आप बताओ यहां पर आप लोग क्या क्या यहां पर निकाल सकते हो 48 ए आधार और ऊंचाई यहां से आप लोगों को कई बेटा यहाँ से लंबाई मिल सकती है क्या आप कह सकते हो बेटा एक मिल सकता है और 48 मिल सकता है ठीक है एक और अड़तालीस दूसरा बेटा क्या मिल सकता है आपको दो और कितना बेटा चौबीस तीसरा क्या मिल सकता है बेटा तीन के हो सकता है क्या हाँ सोलह तो यहाँ अड़तालीस होता है बेटा चार हो सकता है क्या बिल्कुल बारह चौको अड़तालीस होता है क्या पाँच हो सकता है नहीं छः हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बेटा छः और कितना आठ आठ छंग अड़तालीस होता है बेटा आगे बात समझ में अब देखो या इसी का बेटा विपरीत हो सकता है उल्टा भी तो हो सकता था बेटा अच्छा एक चीज बताओ यहाँ से आप कहोगे कि ये लंबाई और ये अगर चौड़ाई माने तो बेटा क्या यहां पर कर्ण निकाला जा सकता है बिल्कुल बेटा कर्ण निकाला जा सकता है देखो क्या पूछा गया है पूछा क्या गया और पढ़िए बेटा क्या निकालना था इसमें कथन को पढ़िए दिया हुआ समान है और आगे पढ़ो बेटा कोई बात नहीं कर्ण और आधार कर्ण और आधार के बीच का अंतर बेटा कितना है छह सेंटीमीटर कर्ण और आधार यानी इसके बीच का अंतर छ सेंटीमीटर है कर्ण और लंबवत लंब का अंतर बेटा कितना है तीन सेंटीमीटर यानी कर्ण और इसका अंतर बेटा कितना है तीन सेंटीमीटर ठीक है यह दिया गया है बेटा बताओ इसके बाद क्या बोला गया है अच्छा और आगे पढ़िए बेटा केवल कथन कथन एक में दिया गया बेटा डेटा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए उत्तर देने के लिए बेटा त्रिभुज ए बी सी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एक त्रिभुज में बेटा कोण बी नब्बे डिग्री का है इसका जो क्षेत्रफल है इसके बराबर है बेटा यानी त्रिभुज का कर्ण क्या हो सकता है ठीक है नहीं बता सकते बेटा कर्ण और कर्ण और बेटा आधार के बीच का अंतर बेटा जो है वो छह सेंटीमीटर कर्ण और लंबवत का अंतर बेटा कितना है तीन सेंटीमीटर केवल कथन एक में दिया गया डेटा जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं बेटा नहीं है क्योंकि बेटा केवल इससे कर्ण नहीं ज्ञात हो सकता है केवल पहले वाले से बेटा कहां कर्ण ज्ञात हो सकता है आप बताओ अगर समकोण रहा होगा समकोण रहा होगा तो आप कहेंगे बेटा लंब और कर्ण तो भैया हमको पता ही नहीं है ना तो लंब और आधार तो बेटा हम इतना भी मान सकते थे और स्क्वायर कुछ करे बेटा बराबर आना चाहिए भाई यहाँ से आधार और ऊंचाई ही तो केवल निकलती है कर्ण थोड़ी निकल आता है जो हमको पता चल जाएगा बेटा क्योंकि यहाँ पर तो नब्बे डिग्री का है केवल और केवल इससे हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि आधार और लंब कितना होगा लेकिन कर्ण ज्ञात नहीं हो सकता त्रिभुज ज्ञात ही नहीं किया जा सकता बेटा यहाँ से त्रिभुज जो है वो बेटा ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं आगे बात समझ में और आगे पढ़िए बेटा और आगे पढ़िए ठीक है केवल कथन एक में दिया गया बेटा डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और आगे पढ़िए बेटा केवल कथन बेटा दो में दिया गया डेटा बेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है अच्छा और आगे पढ़िए बेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक और दो में दिया गया डेटा एक साथ आवश्यक है और इसमें बोला गया बेटा आवश्यक नहीं है बताइए बेटा कौन सा आंसर हो सकता है अच्छा कुछ बच्चे बेटा इसका डी आंसर दे रहे हैं कुछ सी कुछ बी अच्छा एक चीज बताओ बेटा मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनना दो का स्क्वायर और चौबीस का स्क्वायर करने पर दो का स्क्वायर ठीक है अगर हम लोग बेटा दो का स्क्वायर कर दे मान लो और बेटा किसका चौबीस का क्योंकि मैंने कहा कि अगर उसका क्षेत्रफल बेटा और चार के बराबर है तो छो को चौबीस होता है एक बेटे दो ए इंटू एच बराबर चौबीस तो बेटा ए इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा ए इंटू एच बराबर अड़तालीस तो आप बताओ बेटा यहां से तो इतनी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है या बेटा इसी इसी में और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ठीक है ना तो आप कह सकते हैं इतना आप कह सकते हैं भैया अगर हम लोग निकालना चाहें देखिए इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो अगर मान लो मैंने सोलह इंटू बेटा सोलह कर दिया और प्लस में बेटा मैंने तीन का स्क्वायर यानी नौ जोड़ दिया तो आपका आ जाएगा बेटा दो कितना आ जाएगा दो अगर मैंने बेटा चौबीस इंटू चौबीस कर दिया ठीक चौबीस इंटू चौबीस कर दिया तो बेटा पांच के ऊपर निकल जाएगा यानी आप कह सकते हैं केवल एक कथन तो बेटा पर्याप्त नहीं है क्योंकि अलग अलग बेटा त्रिभुज यहां से ज्ञात हो रहे हैं हाँ अगर दूसरा भी मिल जाए तो बेटा यहां पर लंब लंब और कर बेटा 100 परसेंट एक्चुअल वैल्यू ही निकलेगी यानी आप कहेंगे भैया प्रश्न एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो में दिया गया डेटा एक साथ बेटा आवश्यक होगा किसी एक से आपका आंसर नहीं आ सकता है अगर आप छः दशमलव आठ से छः और आठ से नहीं बेटा यहां से छ आठ से नहीं कर सकते हैं आगे बात समझ में ये तो देखिए यहां से भी निकाला जाता है ये भी अब ये मत कहिए कि छ और आठ और बेटा आगे ले लेंगे तो आप कहेंगे भैया यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ठीक है ना उस बेस पर आप लोग कह रहे होंगे क्योंकि कल तो कुछ भी निकाला जा सकता है बेटा बोलिए बात समझ आई कि नहीं आई ठीक है इसलिए दोनों सी शाबाश बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा सारे बच्चे बताना इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहां पे कह दिया गया बेटा एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतह बेटा समान है वह आकृति नहीं हो सकती बेटा ठोस आकृति की बात कर रहा है और सभी सतह समान है कभी भी बेटा त्रिकोड़ी प्रिज्म का कि सभी सतह बराबर नहीं होती है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा सी कभी भी त्रिकोड़ी जो होता है उसकी बेटा सभी सतह बराबर नहीं हो सकती है यानी आंसर कौन सा है बेटा सी ठीक है बात समझ आ गई क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा उनतालीस के बाद चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे क्वेश्चन है बेटा आज एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल बेटा 208 है आयताकार कागज आयताकार कागज का क्षेत्रफल कितना है बेटा 208 बहुत बढ़िया फिर इसके बाद क्या बोला गया यदि उसका परिमाप बेटा पचास सेंट, पचास सेंटीमीटर है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी अच्छा भाई लंबाई इन चौड़ाई बराबर बेटा दो है और परिमाप टू एल प्लस बी बराबर बेटा कितना है आपका बराबर कितना है पचास तो बेटा एल प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए बेटा पच्चीस कितना होना चाहिए पच्चीस ठीक है पच्चीस क्लियर है जल्दी से देखिए बेटा ध्यान से क्वेश्चन सभी बच्चे बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए जल्दी से क्वेश्चन ये वाला भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है जल्दी से बताया बेटा इसका आंसर क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए अच्छा यहाँ पर बेटा अट्ठावन सेंटीमीटर है यहाँ पर बेटा अट्ठावन सेंटीमीटर फिफ्टी एट ये फिफ्टी एट कर लीजिए ये फिफ्टी एट कर लीजिए बेटा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका उनतीस दूनिया अट्ठावन होता है दो से काटेंगे बेटा उनतीस हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर किसी का योग बेटा 25 नहीं बन रहा था इसलिए वहां पर अट्ठावन था बेटा 29 अब आप बताओ भैया आप बताओ यहां पर L और B का योग कितना होना चाहिए 29 भाई साहब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 14 14 28 हो रहा गलत है बेटा ये तो हो नहीं सकता हाँ हो सकता है बेटा ये भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता बहुत बढ़िया अच्छा एक चीज बताओ लंबाई और चौड़ाई क्या होगी बेटा लंबाई सदैव बेटा चौड़ाई से बड़ी होती है तो आपका ये नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बेटा बोला गया है क्रमशः बोला गया है यानी लंबाई पहले होनी चाहिए चौड़ाई बाद में होनी चाहिए चौड़ाई कभी भी बेटा बड़ी नहीं होती है चौड़ाई हमेशा छोटी होती है ठीक है तो चौड़ाई या तो यह होगा या तो यह होगा अब बात आती है यहां पर बताओ बेटा एल इंटू बी का मतलब दो सौ आठ होना चाहिए चार पंचे बेटा बीस के लगभग हो रहा है यानी लास्ट में जीरो हो जाएगा तो यह भी गलत बेटा ये वाला सही हो गया सोलह और तेरह बहुत बढ़िया बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है चालीस चालीस नंबर क्वेश्चन का बेटा आंसर जो है बी बी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है बेटा ठीक है चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई सारे बच्चे देखिए मंगलवार को बेटा दो दीवार घड़ी नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर बेटा 21 बजे चालू होती हैं कितने बजे बेटा 21 बजे एक पहली वाली भी और बेटा दूसरी वाली भी कितने बजे 21 बजे बेटा चालू होती हैं और आगे बढ़िए बेटा चालू होती है दोनों दीवार घड़ियाँ एक घंटे में क्रमशः बेटा तीन मिनट और पाँच मिनट तेज हो जाती हैं ये वाली बेटा तीन मिनट तेज होती है ये वाली बेटा पाँच मिनट तेज़ हो जाती है और आगे बढ़िए बेटा दूसरी दीवार घड़ी में हां दूसरी दीवाल घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवाल घड़ी जो एक घंटे बेटा तीन मिनट तेज होती है यानी इसकी बात कर रहा है तेज हो जाती है बुधवार को सुबह बेटा छह बजकर सत्ताईस मिनट का समय प्रदर्शित करती है। जब ये, जब ये वाली घड़ी बेटा छह बजकर सत्ताईस मिनट का समय प्रदर्शित कर, कर रही होगी तो बेटा ये वाली घड़ी कितना प्रदर्शित कर रही होगी आप सारे बच्चे बताइए बेटा ये घड़ी कितना चल चुकी है इक्कीस से अगर केवल छ तक पहले बेटा छह तक निकालिए छह तक निकालिए बेटा छ तक अगर देखा जाए तो बेटा

छह बजे तक अगर देखा जाए तो जब सही घड़ी में छह बज रहा होगा तो नौ पंचे पैंतालीस मिनट आगे बेटा बढ़ गई होगी ये यानी आंसर कितना हो रहा होगा छह बजकर पैंतालीस मिनट बेटा प्रदर्शित कर रही होगी ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है बहुत अच्छे बेटा आज के क्वेश्चन है कौन सा आंसर कौन सा सॉल्व कर दें बेटा हाँ बिल्कुल सही है बेटा शाबाश सीबी कुशवाहा बेटा कौन सा सॉल्व कर दें इसके पहले वाला हाँ सॉल्व तो कर दिया बेटा देखो पूरा सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है बात समझ आ गई हाँ पूरा सॉल्व कर दिया बेटा बहुत बढ़िया चलिए इसका आंसर बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है बेटा पच्चीस रुपया लेता है वो डेढ़ किलोमीटर तक यानी डेढ़ किलोमीटर का वो कितना लेता है बेटा पच्चीस रुपए ठीक है और इसके बाद बेटा डेढ़ किलोमीटर से अधिक यानी डेढ़ किलोमीटर से अगर अधिक हो गया डेढ़ किलोमीटर से अगर अधिक हो गया तो भाई साहब प्रति किलोमीटर यानी एक किलोमीटर पे कितना लेने लगेगा वो नौ दशमलव बेटा पाँच रुपया लेने लगेगा ठीक है राजू ने घर जाने के लिए बेटा शहर से ऑटो रिक्शा लिया बेटा साढ़े सात किलोमीटर की दूरी तय की कितनी साढ़े सात यानी अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो साढ़े सात किलोमीटर की दूरी है तो पहले तो बेटा उसने साढ़े सात किलोमीटर में बेटा एक दशमलव पाँच घटाया होगा तो बचा कितना होगा बेटा पाँच में पाँच गया जीरो पाँच में सात में से एक चला गया बेटा छः आगे बात समझ में बता बेटा डेढ़ किलोमीटर का जो उसने लिया होगा वो पच्चीस रुपए तो छह किलोमीटर का कितना लेगा डेढ़ किलोमीटर के अतिरिक्त अगर एक किलोमीटर भी आप चले जाते तो नौ दशमलव पांच लेता है और छ किलोमीटर हम चले गए यानी नौ दशमलव पांच का अगर गुणा हो गया तो नौ छक्का चौवन तीन सत्तावन नौ नौ छक्का चौवन चौवन और तीन कितना हो गया बेटा सत्तावन यानी जोड़ेंगे तो सात पाँच बारह का दो एक पाँच दो सात और एक कितना बेटा आठ यानी आंसर कौन सा हो रहा होगा बयासी क्या है कहीं हाँ बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर शाहबाज बहुत बढ़िया ठीक है बात समझ आगे सभी को जल्दी से देखिए बेटा शाहबाज बहुत बढ़िया हटा दें। आप लोग बाद में भी बेटा देख सकते हैं इसको ये अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा फिर से देखिए जब तक समझ में ना आ जाए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आएंगे ठीक है चलिए देखिए बोला गया दो तीन चार पाँच छः छः आ गया बेटा ये तो गलत है दो चार छ नहीं ये भी गलत है बेटा क्या किया गया है बताओ दो चार छ आठ नहीं ये भी गलत है क्या किया गया होगा यहाँ पर जल्दी से बताएं बेटा जल्दी से बताएं बेटा इसका आंसर सारे बच्चे बेटा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो रहा होगा जल्दी से बताएं दो तीन चार अच्छा पांच ये गलत दिया हुआ है बेटा यहां पर ये पांच नहीं है ये पांच नहीं है बेटा ठीक है हाँ हिंदी और इंग्लिश में बेटा दिक्कत है हिंदी वाले में बेटा पांच दिया हुआ है इंग्लिश वाले में पांच नहीं है अब सॉल्व करो देखो बेटा दो आ गया फिर चार आ गया फिर छः आ गया एक अंक छोड़ देना इसको तो हटाई देना है पूरा छ छ के बाद आठ आठ के बाद बेटा दस दो दूना चार तिया दो दो दूना चार दो तिया छः दो चौको आठ दो पंचे दस देखिए तीन एक कम तीन तीन दूना छ तीन तिया नौ तीन चौको बारह तीन पच पंद्रह यानी आंसर कौन सा होगा डी ठीक है पांच का गुणा किया जाएगा पांच का गुणा बात समझ आ गए सभी को चलिए बढ़ जाए बेटा आगे बहुत बढ़िया चवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए चवालीस नंबर क्वेश्चन बेटा देखिए यहां पर क्वेश्चन ये थोड़ा सा और अच्छा दे दिया गया बेटा एक कक्षा में नौ विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है बेटा ये लंबाई दे दी गई है सबसे छोटी लंबाई देखिए सबसे पहले माध्यिका की बात करते दे तो पहले ही आरोही क्रम में बेटा सेट कर दो आरोही क्रम में सेट करेंगे तो बेटा 124 सबसे पहले 124 सबसे छोटा मुझे यही लग रहा है बेटा चलिए 124 फिर से बेटा 124 तो ये भी काट दो बेटा 124 तो फिर से 124 तो तो चलो ये भी बेटा 124 काट दो फिर से बेटा है क्या 124 तो नहीं है बेटा फिर 126 है शायद हाँ 126 है बेटा फिर एक सौ और कहीं है नहीं बेटा 128 और 128 यानी 128 दो बार है 128 बेटा दो बार है और कुछ बचा बेटा हाँ 130 बेटा दो बार है देखिए बोल दिया गया 130 सौ तीस एक, एक ठीक है और यहीं पर बेटा एक और यहाँ पर बेटा एक और देखिए एक और दिया गया 131 सौ इकतीस एक, तो एक, एक, तो एक, तो एक ये 131 तो बेटा दिया हुआ है 131 बेटा तो दिया हुआ है देखिए माध्यिका प्लस बहुलक माध्यिका अगर निकालेंगे तो बेटा इसको हटा दो इधर से 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 ये भी हट गया एक एक काटते जाइए ये यहाँ से हट गया ये यहाँ से हट गया बेटा माध्यिका कितना आ गया माध्यिका की अगर बात करें तो बेटा कितनी आ गई एक सौ अट्ठाईस चलिए मैंने लिख दिया हुआ है अगर बहुलक की बात करें तो बेटा कितना है एक सौ चौबीस ही हमें सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है बेटा देखिए एक सौ चौबीस ही मुझे सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है और एक सौ अट्ठाईस एक सौ अट्ठाइस माइनस एक सौ चौबीस तो बेटा अगर इनको मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा कितना आठ चार बारह का दो आठ चार बारह का दो कैरी वन बेटा दो दो चार और कितना पांच और एक और एक बेटा दो और बटे में कितना हो जाएगा एक सौ अट्ठाइस में से एक सौ चौबीस चला गया बेटा चार चार छंग चौबीस चार तिया बारह चार छंग चौबीस चार तिया बारह आंसर बेटा तिरसठ आंसर कितना हो जाएगा सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इज द राइट आंसर ठीक है बात समझ आ गई सभी को बहुत बढ़िया शाबाश भावना इस्ता शुक्ला कामनी बहुत बढ़िया शाबाश सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए बेटा बहुत बढ़िया हिमांशी गौतम शाबाश चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा एक और क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस, इस, इस सेट का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक, एक 120 लंबी तार 120 सौ ये है बेटा 120 आयत है ना हाँ 120 सेंटीमीटर लंबी तार को बेटा आयत का रूप दिया गया है यदि इसकी लंबाई बेटा चौड़ाई से दो सेंटीमीटर अधिक है ये अगर x है तो बेटा ये x प्लस टू सेंटीमीटर है बेटा अच्छा ये बताओ अगर मैं आपसे ये कह दूँ इसका परिमाप क्या होगा तो टू एल ब्रेथ प्लस लेंथ यानी कि एक्स प्लस टू x प्लस टू बराबर कितना हो जाएगा बेटा 120 के दो से काटेंगे बेटा 60 हो जाएगा x प्लस एक्स बेटा 2x एक्स बराबर बेटा अगर इसको घटाया दो को उधर ले गया तो बेटा अट्ठावन बचा यानी x बराबर कितना हो गया बेटा 29 x बराबर कितना हो गया 29 यदि ये बेटा 29 है तो ये 29 और दो कितना हो गया 31 पूछा क्या गया बेटा क्षेत्रफल तो आप कहेंगे भैया उनतीस इंटू यानी आ गया बेटा एक नवा नौ तीन नवा सत्ताईस दो उनतीस इसका नौ दो तीन दुना, और दो और छो कितना हो गया बेटा आठ आठ सौ निन्यानवे बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है बहुत बढ़िया सरिता हिमांशी शाबास बिल्कुल आज का बेटा पेपर जो है वो आपका बेटा पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है फिर भी अगर किसी बच्चे को समस्या है तो जल्दी से बताइए फिर भी अगर बेटा किसी बच्चे को समस्या है तो आप सभी बच्चे बेटा जल्दी से बता सकते हैं जल्दी से बताइए भाई यहां तक किसी बच्चे को समस्या है क्या सभी बच्चों ने बेटा पूर्व रूप से सॉल्व कर लिया होगा और सभी बच्चे बेटा एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेटा देख सके ठीक है अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और बेल आइकन पर बेटा ऑल को प्रेस कर दीजिए क्यों क्योंकि बेटा आगे जैसे ही आपका भी यूपीटेट आएगा या सुपर टेट आएगा तो बेटा इसी चैनल पर आपको सभी के सभी बेटा जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी प्रैक्टिस सेट बेटा आपको मिलते हैं जिससे आपका जो स्कोर बढ़ होता है वो बेटा कहीं ना कहीं काफी हद तक बेटा बढ़ जाता है ठीक है तो मिलते हैं हम लोग बेटा अगली क्लास में आज के लिए इतना ही थैंक यू